WFL 6010 VP WW। आज इसका चेक करेंगे हम सर्विस मोड कैसे ऑपरेट करते हैं। सर्विस मोड के लिए मशीन स्टैंड बाई मोड पे ऑन रहेगी, यानी कि यहाँ से ऑफ है लेकिन MCV से ऑन है। इसके लिए क्या करना है, इस पिन के बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और ऑन ऑफ से आपको ले जाना है कॉटन 20 पे, तो कुछ इस तरह का आएगा। फिर आपको स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, 1 2 3 4। चौथी बार में आपका पूरा डिस्प्ले चेक हो जाएगा। डिस्प्ले का कोई भी LED अगर फ्यूज होगा तो यहाँ पे नहीं जलेगा, तो आपको उस समय पूरा डिस्प्ले चेंज करना है। फिर अगेन प्रेस करेंगे, अब इस समय पे आपका मशीन चलेगी क्लॉक वाइज 52 RPM पे, तो आपका मशीन का मोटर चेक हो जाएगा कि क्लॉक वाइज चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर अगेन प्रेस करोगे, फिर ये मशीन रुकेगी, फिर एंटी क्लॉक चलेगी सेम 52 RPM पे। फिर अगेन प्रेस करोगे तो इसके बाद आपकी मशीन जितने भी RPM की होगी, जैसे ये है 1000 RPM की, तो ये अपने 1000 RPM पे फुल स्पीड पे स्पिन चलेगा, जिससे कि कोई भी वाइब्रेशन साउंड अनबैलेंस वो सारा चेक हो जाएगा। फिर अगेन प्रेस करेंगे, फिर मशीन रुकेगी, फिर इनलेट वाल्व पे सप्लाई जाएगी। इनलेट वाल्व ऑन हो गया, अगर अभी ये कनेक्ट होता तो पानी यहाँ से आपको दिखता प्री वॉश, लेकिन फिर करेंगे हम नेक्स्ट। अभी ये नेक्स्ट पे ब्लैंक है, फिर नेक्स्ट। अभी इसका मेन वाल्व ऑन हो गया, दो वाल्व होते हैं मेन वाल्व, फिर करेंगे नेक्स्ट तो दोनों वाल्व एक साथ ऑन हो जाएंगे, जिससे कि दोनों वाल्व में, अगर दोनों वाल्व ऑन होने के बाद पानी का प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो उस समय नो वाटर या फिर लो वाटर का एरर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये मशीन अगर अभी कनेक्ट होती तो नेक्स्ट टाइम प्रेस करने पे इसका हीटर ऑन होता है, जिससे कि हीटर ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, PCB हीटर को सप्लाई दे रही कि नहीं दे रही वो भी चेक हो जाता, और पानी गर्म हो रहा है कि नहीं वो भी चेक हो जाता, लेकिन अभी पानी नहीं तो आगे नहीं जाएगी। और फिर अगर मान लीजिए आपका पानी आ गया, हीटर हो गया, ऑन हो गया, गर्म हो गया, फिर जब करोगे नेक्स्ट तो ड्रेन ऑन हो जाएगा, जिससे कि पूरी मशीन का ये सर्विस मोड है चेक हो जाएगा। तो इस मोड में आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके।